सो हेलो गाइस, क्या आप भी अपना बीएसएनएल 4G वोल्टेज सर्विस ऑन करना चाहते हैं और आपको बहुत ही परेशानी हो रही है? क्या आपके पास भी बीएसएनएल का 4G सिम कार्ड है और आपके एरिया में बीएसएनएल का 4G नेटवर्क बहुत ही अच्छे तरीके से आता है और अभी भी आपका 4G वोल्टेज ऑन नहीं है? तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आज आप बहुत ही आसानी से अपना 4G वोल्टेज सर्विस ऑन कर पाएंगे। तो मेरे आज की इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी ऑल में सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपके लिए इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने एक और वीडियो बनाया था और उसमें आप लोगों को बताया था कि आप कैसे अपना बीएसएनएल 4G वोल्टेज सर्विस ऑन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो क्या हुआ कि बहुत लोगों का 4G वोल्टेज जो ऑप्शन होता है वो मिल गया और उन्होंने ऑन भी कर लिया, लेकिन बहुत लोगों को 4G वोल्टेज ऑन करने में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं अभी भी। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा तो कैसे आपका बीएसएनएल 4G वोल्टेज बहुत ही आसानी से और बहुत ही सही तरीके से ऑन हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो में मैंने आपको सारा डिटेल से बताया है कि कैसे कैसे आपका बीएसएनएल वोल्टेज सर्विस ऑन होगा, और एक भी गलती करेंगे तो आपका यहाँ पे बीएसएनएल वोल्टेज सर्विस ऑन नहीं होगा। तो प्लीज वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। सभी टेलीकॉम कंपनियों में वोल्टेज सर्विस बहुत ही आसानी से ऑन हो जाता है। जियो और एयरटेल तो बाय डिफॉल्ट अपना वोल्टेज सर्विस ऑन करके ही देते हैं, शायद ही कोई ऐसा फोन रह जाता है जिसमें कि उनका वोल्टेज सर्विस ऑन नहीं होता है। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूं कि बीएसएनएल 4G वोल्टेज सर्विस ऑन करने के क्या क्या फायदे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि वोल्टेज सर्विस ऑन करने के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इस वीडियो में बता देता हूं कि बीएसएनएल 4G वोल्टेज सर्विस ऑन करने के क्या क्या फायदे हैं। पहला, कि आपकी कॉल क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी कॉल बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगी। कहीं भी आप कॉल करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा तक आपका कॉल क्यूब में रहता है, टू 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 करके आवाज़ आते रहता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी कॉल कनेक्टिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ आपकी HD कॉल, वीडियो कॉल में भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। और आप लोगों ने एक चीज़ जरूर ही नोटिस किया होगा, अगर आपके पास दो सिम कार्ड है और आप जिस पे नेट यूज़ कर रहे हैं उस पे कॉल आ जाता है तब तो आपका इंटरनेट चलता है, लेकिन अगर आपके दूसरे वाले सिम कार्ड पे किसी का कॉल आ जाता है तो आपका इंटरनेट बिल्कुल ही नहीं चलता है। इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वोल्टेज सर्विस ऑन करने के। और साथ ही साथ आपकी इंटरनेट स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड दोनों ही बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी। तो बीएसएनएल वोल्टेज सर्विस ऑन करने के लिए कुछ टर्म और कंडीशन है, मैं आपको उसे भी बता देता हूँ। तो जो सबसे पहले टर्म और कंडीशन है वो ये है कि आपके पास बीएसएनएल का 4G सिम कार्ड होना चाहिए, और जो दूसरी कंडीशन है आपके एरिया में बीएसएनएल का 4G नेटवर्क अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, और जो तीसरी टर्म और कंडीशन है वो है कि आपके पास एक अच्छा 4G वोल्टेज सपोर्टर फोन होना चाहिए। दोस्तों, बहुत लोगों को दिक्कत और परेशानी यहीं पर आती है, वो लोग समझते हैं कि हमारा फोन 4G है तो हमारे में वोल्टेज सपोर्टर भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे फ़ोनों में 4G वोल्टेज सपोर्टर नहीं होता है 4G होने के बावजूद भी। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होती है आप लोगों से, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं इसका भी एक सोल्यूशन आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट में मैंने इसका सोल्यूशन बताया है कि अगर आपका फ़ोन 4G वोल्टेज सपोर्टर नहीं है तो आप उसमें कैसे अपने वोल्टेज को ऑन कर सकते हैं। सो गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपना वोल्टेज सर्विस कैसे ऑन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सेटिंग ओपन करना है। जैसे ही आप अपने सेटिंग ओपन करते हैं, आप वहाँ पे आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है। अगर आप वहाँ पे दो सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो आपके अपने बीएसएनएल वाले 4G सिम कार्ड को सेलेक्ट करके वहाँ पे आपको उसका वोल्टी ऑन कर लेना है बहुत ही आसानी से। अगर अभी भी आपके मोबाइल में वोल्टी सर्विस नहीं दिखता है तो मैं आपको एक और छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ। आपको सिंपली अपने मैसेज बॉक्स को ओपन करना होगा, और वहाँ पे आपको स्टार्ट चैट पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे 5373 नंबर को लिखना होगा, और इसमें आपको एक मैसेज सेंड करना होगा। मैं आपको बताता हूँ, सारा कैपिटल लेटर में रहेगा यानी कि बड़े अक्षरों में रहेगा। तो आप लिखना वहाँ पे ACT स्पेस वोल्टी, ठीक है। आप वहाँ पे लिखना कुछ इस टाइप से जो आपको अभी होम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप से लिखना, सारा कैपिटल में होना चाहिए, कोई भी स्मॉल में मत रखिएगा। तो ऑटोमेटिक आपका बीएसएनएल 4G वोल्टेज सर्विस बहुत ही आसानी से ऑन हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। और इसके बाद भी अगर आपके फ़ोन में वोल्टेज सर्विस ऑन नहीं होता है तो एक और छोटा सा तरीका है, उसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपका जो बीएसएनएल वोल्टेज सर्विस है बहुत ही आसानी से डेफिनेटली ऑन हो ही जाएगा।
क्या करना, आप अपने BSNL कस्टमर केयर में कॉल करना और वहां पे अपनी सारी समस्याओं को बताना, आपका वोल्टेज सर्विस वो लोग खुद ऑन करके दे देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके फ़ोन में BSNL 4G वोल्टेज ऑन नहीं हो रहा है, आपका फ़ोन 4G होने के बावजूद भी BSNL 4G वोल्टेज ऑन नहीं हो रहा है, तो मैंने पहले ही बताया था कि आपका फ़ोन 4G हो सकता है लेकिन 4G वोल्टेज सपोर्टेड होना चाहिए, तभी आपके फ़ोन में 4G वोल्टेज ऑन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने BSNL 4G सिम कार्ड को निकालना और आप एक वीडियो देख सकते हो YouTube पे कोई भी कि कौन कौन सा फ़ोन 4G वोल्टेज सपोर्टेड है। वैसा अगर आपके एरिया में आपके अगल बगल में किसी के पास कोई फ़ोन है 4G वोल्टेज सपोर्टेड, तो आप वहाँ पे अपने सिम कार्ड को उनके फ़ोन में डालना और वहाँ पे उनके मोबाइल में अपने 4G वोल्टेज को ऑन करना, तब आपका जो है वोल्टेज सर्विस बहुत ही आसानी से ऑन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। तो मिलते हैं हम लोग किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद।